आई एव विवान माई नेम इस तमन्ना I am a physics master on An Academy for NEET UG और मैं इस वीडियो में ना ये नहीं बताने वाली हूँ कि तुम किस तरीके से नेक्स्ट के तीन महीनों में प्रिपेयर कर सकते हो ताकि तुम्हारा फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो का सिलेबस कंप्लीट हो जाए मैं वो नहीं करने वाली हूँ लेकिन मैं तुम्हें इस वीडियो में ये ज़रूर बताने वाली हूँ कि कौन सी वो तीन चीज़ें हैं अगर तुमने ये तीन चीजें कर दी चाहे तुम्हारा फुल सिलेबस कंप्लीट हो चुका हो तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होना मैं लिख के दे सकती हूँ मैं ये बिकॉज आई सी सो मेनी स्टूडेंट्स अटेंडिंग द क्लासेस आई सी सो मेनी स्टूडेंट्स आर सॉल्विंग द डीपीपीज बट दे आर नॉट एबल टू परफॉर्म वेल इन द टेस्ट एंड सम अनफॉर्चुनेटली आर नॉट इवन गिविंग टेस्ट सो लेट मी टेल यू कि तुम्हें क्या करना है ताकि तुम्हारे मार्क्स आए हाउ डू यू गेट दो मार्क्स हाउ डू यू नॉट लूज मार्क्स लेट मी टॉक अबाउट दीज थ्री पिलर्स ऑफ फेलियर कि अगर इन पिलर्स को तुम खड़ा करोगे तो डेफिनेटली तुम अपनी कब्र खोद रहे हो तुम अपने सपनों की कब्र खोद रहे हो नंबर वन पिलर इज नॉट प्रिटाइजिंग रिविजन मेरी बात सुनो लेटर्स अज्यूम कि मैं तुम्हें ये बोल दूं कि तुम पहले पूरा ध्यान कवरेज के ऊपर दो एक बार जब तुम्हारा पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा उसके बाद रिवाइज करना तो यू हैव ऑलरेडी कम्पलीटेड यूर सिलेबस इस तरीके से तो क्लास इलेवें पूरी क्लास इलेवेंथ कर लिया है क्लास ट्वेल्थ में तुमने पूरी क्लास ट्वेल्थ कर, कर ली है तो ऐसा क्यों हो रहा है कि वेन यू आर डूंगीज चैप्टर्स अगेन यू फील लाइक यू आर डूइंग इट फॉर दर्स्ट टाइम सो इफ आई गिव यू दी सेम एडवाइस नाउले पूरा सिलेबस कंप्लीट करो उसके बाद रिवाइज करना तुम लोगों में से कोई बच्चा मुझे लिख के देगा ये चीज कि द सेम थिंग इज नॉट गोइंग टू बी रिपीटेड अगेन दैट वंस यू यू कम टू द विल नॉट अगेन फील लाइक यू हैव नॉट डन एनी थिंग तो समझो इस चीज को कवरेज प्लस रिविजन स्टेप वन स्टेप टू नहीं है कवरेज प्लस रिविजन स्टेप्स है जिन्हें तुम्हें डेली बेसिस के ऊपर फॉलो करना है अगर तुम अपने सिलेबस को कुछ इस तरीके से कंप्लीट करना चाहते हो कि ना तो तुम आ, यू नो आ, कवरेज में पीछे रह जाओ और ना ही तुम वो चीज भूलो जो तुमने कवर कर ली है तो मैंने अपने सेवेंटी डे के स्टडी प्लान में बिल्कुल सेम चीज बताई थी कि फाइव प्लस टू का सिस्टम रखो पाँच दिन तुम कवरेज शो कर रहे हो रात को सोने से पहले रिवाइज कर लो दिन में जो कुछ भी किया हुआ है लेकिन हफ्ते में दो दिन ऐसे होने चाहिए जहां पर तुम सिर्फ रिवाइज कर रहे हो जहां पर तुम सिर्फ टेस्ट दे रहे हो जहां पर तुम सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो देर इज नो अदर वे स्टूडेंट्स यू कुड यू कुड कंप्लीट द दर सिलेबस ऑल दाइंटी एट चैप्टर्स बट स्टिल यू विल नॉट गेट दी मार्क्स इफ यू आर नॉट प्राटाइजिंग रिविजन सो जस्ट टेक केयर ऑफ दीज टू थिंग्स हर दिन रिविजन होना चाहिए सोने से पहले जस्ट यू नो गो थ्रू एवरी थिंग दैट यू डिड इन दिन डे ए क्विक ब्रशअप बहुत इंपॉर्टेंट है दूसरा रिविजन जो वीकली रिविजन होना चाहिए जिसके अंदर तुम तुमने वीक वीकडेज के ऊपर जितना कुछ भी रिवाइज़ किया है उसको सैटरडे और संडे को रिवाइज कर रहे हो स कैसे बिल्ड होगा नंबर टू पिलर इज ट्रीटिंग नीट लाइक इट इज अम ओपन बुक टेस्ट इफ आई बी ऑनेस्ट विद यू दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाई प्लस स्टूडेंट क्योंकि आज उन्होंने सुबह सुबह मेरा दिमाग खराब कराए दो हजार बच्चों में से सिर्फ सौ बच्चे मॉप टेस्ट देने आ रहे हैं मतलब उन दो हजार बच्चों में से एक हजार नौ सौ बच्चों को ये लग रहा है कि एग्जामिनर उनके चाचा हैं और वो उनको क्वेश्चन पेपर पकड़ा के जाएंगे कि बेटा आप ऐसा करो आप आराम से सॉल्व करो हम आपके लिए वेट करेंगे आप आराम से सॉल्व करो जब हो जाए तब हमें बता देना हम पेपर लेने आ जाएंगे और उसके हिसाब से आपका रिजल्ट आ जाएगा नहीं You will not be giving need in the comforts of your home, and you will not be giving need uh, with an unlimited time frame. Jab tum examination center mein hoge na, aur itne aspirants ko apne around the aspirants That will be a zone of anxiety. And that will be a zone of pressure because the entire year that you dedicated just to clear this exam is going to be at stake and you cannot afford losing. तो अगर वो बैटल है ना तो उसी बैटल के लिए प्रिपेयर करो तो जब तुम कवरेज शो कर रहे हो और तुम प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो वेरी गुड दीज आर रिक्वायर्ड स्टेप्स बट दीज आर नॉट दी ओनली स्टेप्स टू एंश्योर कि तुम्हारा नीट में सिलेक्शन हो तुमने फिर एक टॉपिक कंप्लीट कर लिया एक चैप्टर कंप्लीट कर लिया ग्रेट तुमने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ली ग्रेट तुमने पीवाइस क्यू सॉल्व कर लिए ग्रेट टेस्ट कौन देगा कौन देगा टेस्ट योर बैटल फील्ड इज एंगइटी जोन विद अ लिमिटेड टाइम फ्रेम टू परफॉर्म एंड दैट इज एग्जैक्टली वॉट यू शुड बी प्रिपेरिंग योर सेल्फ फॉर इतना सिलेबस सिलेबस कवरेज के पीछे भाग रहे हो ये सारी चीजें कैसे तुम लोग निग्लेक्ट कर सकते हो एग्जामिनर को कोई फर्क नहीं पड़ता तुमने कितना सिलेबस कम्प्लीट किया है कितना नहीं किया है एट द एंड ऑफ द डे दी ओनली थिंग दैट विल मैटर इज तुम कितने मार्क्स लेके आयो और बच्चों मार्क्स यहाँ से जाएंगे तो ये जो सैटरडे संडे को मैं बोल रही हूँ रखो क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए रखो और टेस्ट के लिए रखो इनमें लेकिन वो मार्क्स इंक्रीज होंगे अगर मैं एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ की बात करूं जिसका इनफाइनाइट स्लोप हो वो भी तो तुम्हारा ओरिजिन से शुरू हो रहा है तो स्टार्ट फ्रॉम जीरो वाई आर यू अफ्रेड ऑफ You know, sitting at the origin for some period of time. If the future will bring you upwards, if the future will give you a positive slope, so you must give the test. Third pillar, not taking breaks. Nico. तुम टीचर मैं मतलब एज अ टीचर मैं ये चीज़ बोल सकती हूँ या फिर एज ह्यूमन बींग में ये चीज़ बोल सकती हूँ कि वी नीड ब्रेक्स मैं अभी उन ब्रेक्स की बात नहीं कर रही हूँ जो आ, मतलब तुम्हारे पढ़ाई के बीच में होते हैं मैं ब्रेक्स की बात कर रही हूँ जैसे कि मैंने तुम्हें बोला है कि संडे और सैटरडे को तुम्हें सिर्फ रिविजन और टेस्ट देने हैं ठीक है थीके? अगर तुम इतना कर लोगे सैटरडे को डेडिकेटेडली और संडे को तुम सिर्फ अगर तीन घंटे चार घंटे भी रिवाइज कर लेते हो या फिर उन तीन चार घंटों में सिर्फ टेस्ट दे लेते हो ना तुम पूरा संडे अपने पास रख सकते हो अपने पास रख सकते हो एज इन कि नीट को साइड रख सकते हो कमेंट में मुझे बताना कितने बच्चे सिर्फ पढ़ रहे हैं अभी कि दी वी हैव नथिंग इन आर लाइफ राइट नाउ वॉट वी आर डूइंग इज ओनली स्टार्टिंग हम सोते हैं बुक्स के साथ हम उठते हैं बुक्स के साथ हम रहते हैं बुक्स के साथ यू कैन नॉट एंटर दैट जोन ऑफ मोनोटनी ठीक है अगर इतनी सारी चीजें मोनोटनस हो जाएंगी अगर अपने आप को टाइम नहीं दोगे टू रीगेन योर इनिशियल कैपेसिटी ऑफ मेमोराइजिंग थिंग्स एंड अंडरस्टैंडिंग थिंग्स तो एक ना ए सिमटोट आ जाएगा ए सिमटोट इतना तो समझते हो गए ए सिमटोट मतलब इस तरीके से इम्प्रूवमेंट हुई इम्प्रूवमेंट हुई लेकिन ये इम्प्रूवमेंट स्टॉप हो गई तो अपने आप को ब्रेक दो चाहे वो ब्रेक आधे दिन का हो अपने आप को ब्रेक दो लेकिन वो ब्रेक इंटेंशनल ब्रेक होना चाहिए वो ब्रेक संडे को होना चाहिए वंस यू हैव टिकड ऑफ ऑल ऑफ गोल्स ऑफ सैटरडेज एंड यू हैव एटलीस्ट गिवन वन और टू टेस्ट ऑन सनडेज टेक दैट इंटेंशनल ब्रेक ऑफ सिक्स टू एट आवर्स तुम्हें इतना अच्छा लगेगा ना बिकॉज नंबर वन यू आर नॉट यूज टू टेकिंग ब्रेक्स एंड नंबर टू इफ यू आर यूज टू टेकिंग ब्रेक्स यू फील गिल्टी ऑल दी टाइम बिकॉज यू वुड राधा बी स्टार्टिंग लाइक यू शुड राधा बी स्टार्टिंग देन टेकिंग दिस ब्रेक बिकॉज यू फील लाइक यू हैव नॉट अर्न इट एंड यू हैव नॉट अर्न इट तो बेटर है अर्न करो पूरे वीक वीक डे के ऊपर काम करके कवरेज के साथ फिर सैटरडे को बिल्कुल अच्छे तरीके से रिवाइज करके संडे को एक दो टेस्ट देके के अर्न वो छः से आठ घंटे का ब्रेक जिसमें तुम बुक्स की तरफ देखोगे भी नहीं नोट्स की तरफ देखोगे भी नहीं और नीट के बारे में सोचोगे भी नहीं इन तीनों में से कोई भी एक चीज छोड़ दो तुम एक चीज आई आई कैन नॉट चैलेंज यू दिस बिकॉज आई डोंट वॉन्ट यू टू टेक दिस चैलेंज बट इनमें से एक भी चीज छोड़ दोगे ना सीट निकल जाएगी तो जितना कवरेज के ऊपर ध्यान दे रहे हो अच्छी बात है अच्छे बच्चे हो ध्यान दो बट यू कैन नॉट सिंपली निग्लेक्ट दीज थ्री थिंग्स और यू कैन नॉट सिंपली यू नो स्टैंड और बिल्ड दीज थ्री पिलर्स ऑफ योर ओन फेलियर लिखो कमेंट सेक्शन में हशटटाग नो मैटोव हेस्टाग नो मैटोवॉट वी विल बी ब्रेकिंग दीज थ्री पिलर्स इन केस वी हैव बिल्ट and if we have not built build uh, build this pillars it is going to be our priority that we don't build it in the future as well comment section hashtag no matter what ऐसी और strategy videos के लिए तुम इस YouTube channel को subscribe कर सकते हो इस video को like करो और बच्चों इस video को आगे share करो ऑल दो आगे शेयर करने से होगा ही तुम्हारा ही कॉम्पिटिशन बढ़ रहा है बट आई फील लाइक कि दैट इज़ समथिंग यू कैन डू इट फॉर मी तुम आग इसको आगे शेयर करो आई विइक इट वेरी मच राइट एंड आर ग्रुप दिस कम्युनिटी दैट आई एम ट्राइंग टू बिल्ड ऑन दिस यूट्यूब चैनल ऑफ स्टूडेंट्स दैट फॉलो हशटैग नो मैटर वॉट आर गोइंग टू ग्रेजुअली इंक्रीज विच इज गोइंग टू बी अ गुड थिंग इन अ लॉन्ग रन थैंक यू सो मच एवरी वन हैव अ वंडरफुल डे